फिर तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है कि दिल्ली से वो लौटे अपनी बेटी के बर्थडे करके। उन्होंने बोला कि इस बार जो चुनाव होगा वो बिहार के लिए ऐतिहासिक होगा और बहुत ही अचंभित होगा। वो बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं कि गत बार जो हुआ था 39 सीट एनडीए ने जीता था, इस बार 400 का 400 सीट वो अचंभित होने वाला रिजल्ट हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी 400 सीट पार करेंगे और तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये तो बात चमत्कारिक होगी ही। हम उनके बात से सहमत हैं, लेकिन वो अपने पक्ष में सोचते हैं, वो नहीं है, वो उनके पक्ष की नहीं विपरीत बात होगी जो एनडीए के पक्ष में जाएगी। देखिए, फिर तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है कि दिल्ली से वो लौटे अपनी बेटी के बर्थडे करके। उन्होंने बोला कि इस बार जो चुनाव होगा वो बिहार के लिए ऐतिहासिक होगा और बहुत ही अचंभित होगा। वो बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं कि गत बार जो हुआ था 39 सीट एनडीए ने जीता था, इस बार 400 का 400 सीट वो अचंभित होने वाला रिजल्ट हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी 400 सीट पार करेंगे और तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये तो बात चमत्कारिक होगी ही। हम उनके बात से सहमत हैं, लेकिन वो अपने पक्ष में सोचते हैं, वो नहीं है, वो उनके पक्ष की नहीं विपरीत बात होगी जो एनडीए के पक्ष में जाएगी। देखिए।